अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ेनी टीवी, बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग, व्लॉग नंबर 10। फाइनली जिसका इंतज़ार था सबको, व्लॉग नंबर 10 आ गया है। और आज के व्लॉग का टॉपिक ये है कि हम एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं सबसे। 3 महीने हो गए हमें फास्ट में, सेशनल 1 सेशनल 2 दो मिड्स होते हैं, गुजर चुके हैं, आज फाइनल पेपर था हमारा। तो अब तक का फास्ट में एक्सपीरियंस कैसा रहा है सबका, हम इस व्लॉग में ये पूछेंगे सबसे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हमारे साथ 22 बैच के कुछ बच्चे हैं, तो सर आप बताएं कि अभी तक फास्ट में रिव्यू कैसा जा रहा है? सेशनल 2 था आपका, दे दिया है या अभी देना है? नहीं दे दिया। दे दिया, कैसा हुआ है? हमारा सेशनल इस तरह हुआ है ना, जो हमें क्लास में पढ़ाते हैं ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जब सेशनल का टाइम आता है ना वो कई मास्टर लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ नहीं आ रहे थे करना कैसे। एक बार समझ आ गया ना हम सॉल्व कर लेंगे, समझ नहीं। सही, तो अब तक फास्ट में मतलब कितना टाइम हो गया? 3 महीने तो हो गए ना। जी जी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस यार यहाँ पे रूटीन जो है ना बहुत टफ है, अगर कोई बंदा पढ़ना चाहे ना तो उसके लिए बेस्ट है, जो हमारे जैसे शुगर करते रहते हैं हर वक्त उनके लिए तो ये मतलब मुश्किल से फर्स्ट मिशन निकालना है हमारे लिए। मतलब अभी जो रिजल्ट आया है अभी कल फर्स्ट ईयर का, तो काफ़ी सारे बच्चे सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि फास्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या फास्ट में अगर आपने करियर बनाना है तो फास्ट में आ जाओ, क्योंकि यहाँ से डिग्री निकालने में आपको 4 साल अगर 5 साल भी लगते हैं 6 साल लगते हैं ना, एक बार डिग्री निकल गई उसके बाद आपकी जॉब का बहुत ईजी सी मतलब मार्केट में वैल्यू बहुत फास्ट। चैलेंज, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर्स। अभी तक तो इतना खास अच्छा नहीं जा रहा क्योंकि पेपर जब हुए हमारे और बहुत ही बुरे हुए हैं, और इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन लोगों ने कहा तो था कि भाई रगड़ा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। सही, तो अभी जो बच्चे नए आने वाले बच्चे हैं जो, उनको क्या कहेंगे, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना तो चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और पढ़ाई के लिए शौक रखते हैं तब आप आ जाएँ, वरना फिर इधर उधर ढूंढने पहले से ही ये ना हो तो फिर इधर आके पछता रहे हो। सही, चलें, थैंक यू। जी सर आप बताएं आपका फास्ट में एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? 3 महीने आपके गुजर चुके हैं, सेशनल 2 था आज, लास्ट पेपर। अच्छा जा रहा है, सख्त है मेरे लिहाज से, पढ़ाई थोड़ी तेज चल रही है, थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है, मेरा जो शौक़ था वो पूरा हो, सीएस का शौक था। सही, तो वो पूरा तो हो रहा है। अभी कल रिज़ल्ट आया है फर्स्ट ईयर का, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि फास्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? ये है ना कि शौक़ है तो ज़रूर है जी, अगर सीएस का मुझे शौक़ था मैंने इसीलिए चूज़ किया, मुझे पता तो था कि मुश्किल है, लेकिन जो शौक़ था इसलिए मैं आया, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, आपको शौक़ नहीं है तो वो फिर इसलिए ना आए, चलिए पैसा भी लगेगा और फिर आपको फायदा मिलेगा भी नहीं। चलिए, थैंक यू सर। अभी तक तो बहुत बुरा जा रहा है, आज सेशनल हमारा 2 का लास्ट एग्ज़ाम था कैलकुलस का, उसमें इन्होंने इतने ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए थे, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल इनका सही नहीं है। बाकी ओवरऑल कैंपस लाइफ ठीक है, इतनी मतलब नहीं है, लेकिन बिल्कुल बंदे को हैक्टिक कर देते हैं ये, बिल्कुल रूटीन आपकी ख़राब हो जाती है। और किसी ने सही कहा था आने से पहले कि इधर रगड़े का बहुत एलिमेंट है, रगड़ा बहुत ज़्यादा है यहाँ। और तो अभी और इधर मैं बात कर रहा हूँ, एक बात यह है कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमें ये दुआ लगी है किसी की या दुआ लगी है कि हमारा एडमिशन इधर हो गया। नहीं, दुआ ही लगी है। तो सर अभी कुछ बच्चे मतलब जिनका कल रिज़ल्ट आया है फर्स्ट ईयर का, वो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर फास्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं उनसे कहूँगा कि टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। बिल्कुल आप ना फिलहाल सोचें, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आप ज़रूर आएं यहाँ पे, आप मतलब किसी मुकाम पे पहुँचेंगे, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं, आप चाहते हैं लाइफ भी इंजॉय करनी है साथ और भी रूटीन के काम करने हैं, तो फास्ट बिल्कुल ना आए, नॉट अ गुड चॉइस। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। किस नाम से? ज़ेनी टीवी। यहाँ पे ऐसे है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है ना कि आपको फुटबॉल खेलने के लिए चाहिए, बाद में आपको एक जॉब चाहिए, तो उसके लिए आई थिंक काफ़ी है। अगर आपने बाहर जाना है फिर आपको 3 CGPA से ऊपर लाना चाहिए अगर स्कॉलरशिप पे जाना है, और फिर आपको GPA के मामले में मसला हो सकता है अगर आप मेहनत करने के आदी नहीं है। सही, और जो बच्चे भी नए आने वाले हैं फास्ट में, जो मतलब जिनका भी रिज़ल्ट आया और वो पूछ रहे हैं कि फास्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या कहेंगे उनको? यार अगर तो उनका एंड गोल जॉब है ना पाकिस्तान के अंदर या बाहर भी, तो आ जाएं अगर वो मेहनत करने को तैयार हैं, जो कि मतलब करनी पड़ती है आपको हर जगह। और अगर लेट से उन्होंने आगे साथ में कोई और काम भी करने हैं, जैसे मेरा पर्सनली मुझे स्टार्टअप्स का है, तो उसके लिए टाइम नहीं निकलता, ये मुझे प्रॉब्लम है। सही, चलें, थैंक यू। ओके, शुक्रिया। फाइनली व्लॉग को वाइंड अप करते हैं, ये था एक्सपीरियंस 22 बैच के सारे जो बच्चे थे,
जिनका हार्डली 3 मंथ्स हो गए हैं जिनको फास्ट में आए हुए। तो वीडियो के एंड पे मैं अपना रिव्यू भी देता चलूँ कि फास्ट में पढ़ाई अच्छी है। CS की डिग्री करनी है आपने, कंप्यूटर की कोई भी किसी भी फील्ड की आपने डिग्री करनी है, फास्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसके अलावा फास्ट पार्टी बॉयज के लिए नहीं है, फास्ट इज़ फॉर हार्ड वर्कर्स। तो अगर मतलब मस्ती शुगल मिला करना है तो फास्ट इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, व्लॉग को वाइंड अप करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या रिव्यू है अगर आप फास्ट में पढ़ते हैं, और आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अगर आप खासतौर पर 22 बैच के हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।